नमस्ते दोस्तों, आज जो मैं बताऊंगा वो वार्डरोब के बारे में बताऊंगा कि वार्डरोब में जब हम स्लाइडिंग डोर लगाते हैं और उसमें अगर हम लगाते हैं टॉप लाइन 22 हेटीज का फिटिंग, तो वो कैसे लगाते हैं, और कबर्ड को मैं बनाने से पहले इसकी जो टॉप कितना अंदर लेना है और जो बाहर का शटर है उसके लिए साइड कितना बाहर लेना है वो भी मैं मेजरमेंट बताऊँगा। इस वार्डरोब में हमने टॉप लाइन 22 लगाया हुआ है। नीचे जो बॉटम चैनल है वो STB 12 है, और ये ऊपर का चैनल है और ये सॉफ्ट क्लोज करता है, तो ये फिटिंग अलग से लेना पड़ता है इसमें। और जब वार्डरोब बना रहे हैं तो दीवार की साइड में आप मिनिमम 50 mm ब्लैंकिंग दीजिए, या ओपन वेल डोर हो या फिर स्लाइडिंग डोर हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर ये स्लाइडिंग डोर है तो भी क्या है, दीवार की साइड में अगर यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो हम डोर को क्रॉस नहीं कर सकते, दीवार में थोड़ा बहुत 5 mm 6 mm का फर्क आता है। तो और अगर ओपन वर्ल्ड डोर है तो भी अच्छा है, हैंडल टच नहीं होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊँगा पहले। ये जो हमने जो बॉटम लिया है, ये साइड लेफ्ट साइड का जो अंदर का डोर रहता है उसका बॉटम और लेफ्ट साइड बराबर रहेगा। टॉप है ना, वो मैंने 20 mm रखा है, ड्राइंग में 16 point कुछ रहता है, लेकिन 20 mm रखने से साइड में गैप कम आता है। और इसमें हमने सेंटर लॉक भी दिया है, इसका भी मेरा एक अलग से वीडियो है, तो वो कैसे लगाते हैं वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो डोर है ये बाहर का डोर है, बॉटम से ही देखेंगे, आपको बॉटम से 32 mm बाहर लेना है साइड। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से अगर अंदर का डोर है तो बॉटम और साइड लेवल रहेगा, उससे टॉप साइड से 20 mm अंदर रहेगा। और जो आपका राइट साइड का, जो जैसे यहाँ पे जो राइट साइड का साइड है, जो बाहर वाला शटर का जो साइड है, वो बॉटम से 32 mm बाहर रहेगा। ये फिटिंग लगाने से पहले हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि हमको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन सा फिटिंग लगा रहे हैं, टॉप लाइन 22 बॉटम में STB 12, तो उसके लिए जो नीचे हमने गैप छोड़ा है वो मिनिमम 95 होना चाहिए, यहाँ पे 100 है, और जो इस कटिंग जो बॉटम से जो इस कटिंग डेप्थ है वो 28 mm होना चाहिए, और 28 मिनिमम 28 mm होना चाहिए। अगर 1-2 mm ज़्यादा है तो आप पैकिंग दे सकते हो, अगर आपने कम किया तो फिर मुश्किल होगा। और दूसरा ये है, अगर आपको ये देखना है फिटिंग परचेज करते टाइम में कि आपका राइट जो बाहर का डोर है वो राइट में है या लेफ्ट में है। अगर आपका बाहर का डोर राइट में आता है तो वो फिटिंग आपको RH लेना पड़ेगा राइट साइड। अगर आपका डोर बाहर वाला लेफ्ट में आता है, अगर ये रूम का अगर डोर इधर होता तो ये वार्डरोब उधर जाता, तो आपका जो बाहर का डोर है वो लेफ्ट में आता, अगर लेफ्ट में आएगा तो आपको LH लेना पड़ेगा फिटिंग परचेज करने टाइम में। तो दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी फिटिंग तो बाद में ही आती है, पहले भी मिल जाती है, कई बार स्टॉक नहीं रहता है, तो हमको स्ट्रक्चर पहले ही फैक्ट्री से मटेरियल कट होकर आता है या आपको साइड पर करना है, तो आपको ये मेजरमेंट ध्यान रखना है। और इस वार्डरोब में लॉक नहीं है, इसलिए जो टॉप है वो साइड के लेवल है। अगर लॉक आता है वो फिटिंग कैसे लगाते हैं टॉप लाइन 22, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो नॉलेज भरी लेके आता रहूँगा। लगा के भी मैं आपको बताऊँगा कि फिटिंग कैसे लगाते हैं, कितना मेजरमेंट रहता है, ये डोर का जो फिटिंग है वे कैसे फिक्स करते हैं, वो भी मैं इंस्टॉलेशन आपको पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये हमारे पास जो फिटिंग के साथ में जो इसका जो मेजरमेंट जो ड्राइंग आता है वो है टॉप लाइन 22 का, ये STB 12 इसका फ्रंट से स्क्रू होता है और सामने से लगती है। तो हम STB 12 लगा रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा, और ज़्यादातर यही यूज़ होती है STB 12। दोस्तों, हम पहले चैनल के लिए कितना साइज चाहिए वो देख लेते हैं इस कटिंग पे। तो यहाँ पे देखो, ऊपर लिखा हुआ है 28.5, तो ये यहाँ पे 28.5 mm अंदर रहती है इस कटिंग बॉटम से। तो जो चैनल का साइज़ है वो 22 mm होता है, तो चैनल 6 mm अंदर रहती है, ठीक है।
और जो हाइट है चैनल के लिए वो मिनिमम 95 है। तो ये तो हो गया हमारा चैनल के लिए साइज। आपको मेजरमेंट अच्छी तरह दिख रहा होगा, इसका हिसाब समझ लीजिए। जो सेंटर का मार्किंग है 16 और ये 92, तो हम क्या करेंगे, पहले जो थिकनेस दिखा हुआ 22 इसमें माइनस कर देंगे हिसाब लगाना है। तो 92 में 22 गया तो 70 प्लस ये 16। तो यहाँ से और यहाँ तक जो जगह है वो 86 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो साइड है वो प्लस करना है 86 में, तो वो हिसाब से हमको ये करना है। इसका जो हाइट है वो 99 है, आपको क्या करना है, शटर के नीचे से 19mm पे मार्किंग करनी है। जो 19mm की मार्किंग करोगे वो स्क्रू की मार्किंग है, स्क्रू लगेंगे वो 19mm पे, ठीक है। यहाँ देखो दिखाए हुए नीचे से डोर की साइज पे 19mm पे ये स्क्रू हुए हैं, देखो ये स्क्रू इधर स्क्रू लगा हुआ है अंदर से। दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले अंदर पीस लगा दिया था क्योंकि मुझे चैनल नहीं मिला था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 28.5, तो मैंने यहाँ पे 29mm प्लस जो प्लाई का थिकनेस है उतना पीछे करके पीस मार दिया पहले से। अभी क्या है, स्कटिंग भी नहीं आया था वो टाइम में, तो यही अगर मेटेरियल नहीं आया कुछ कम है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये पीस मैंने उधर भी मैंने ऐसे ही किया, उधर एक पीस मारा है और सेंटर में भी एक पीस लगाया है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे दो स्क्रू मार देंगे चैनल के पीछे, इसको छुप जाएगा, और साइड के स्क्रू मारेंगे वो भी नहीं दिखेंगे, चैनल के पीछे छुप जाएंगे। और इसमें क्या है, जो हाइट है ये मैंने 100mm है, यहाँ पर 95 आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। और जो डोर का जो हम हाइट लेंगे तो वो टॉप से और ये बॉटम तक प्लस 50mm, ये तो हाइट हो गया। और विड्थ को आपको मालूम ही है, जो आउटर साइड मिला के सेंटर करके 15mm 10mm ज़्यादा लेंगे और लेक हो जाएंगे। स्टॉपर है यहाँ पे लगेगा, तो व्हील को रोकेगा ये। और ये स्टॉपर हमने इसलिए लगाया कि जब डोर का वेट आएगा तो ये चैनल अंदर नहीं जाएगी, मतलब बैंड नहीं होगी, तो इसके साथ में आता है देखिए, बस ये चैनल सीधा डोर लगाने से पहले ही स्टॉपर लगाते हैं। दोस्तों हमारा टॉप का चैनल भी फिक्स हो गया और बॉटम का हमने पहले ही फिक्स कर दिया था, तो अभी हम क्या करेंगे, साइड्स का मेजरमेंट है वो तो मुझे इससे मिला थिकनेस के हिसाब से, और ये जो स्टॉपर आता है ना इससे ही हम हाइट निकाल सकते हैं। इसको रख के करेंगे तो हाइट का बराबर आपको हाइट से 35 मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो जो होल होंगे इसका 230 होता है, मतलब 230mm। और इस जो साथ में आता है इस ये टेम्पलेट जैसा है, इसको रख के आप कर सकते हो। और जो साइड का मेजरमेंट है लेफ्ट साइड का, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जो आपकी बॉक्स की जो साइड है ना, वो साइड की का कितना थिकनेस है उसके हिसाब से ये आप मार्किंग ले सकते हो। तो लगभग 1 inch के आसपास ये होल आता है, 1 inch से कम ज़्यादा 2-5mm। और हमने होल कर लिए हैं और थोड़ा कोटेशन कर देते हैं इसको, क्योंकि ये जो स्क्रू है ये चैनल से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो व्हील पे लगेगा और व्हील को कट करेगा तो साउंड भी आएगा और व्हील बहुत ही खराब, थोड़े दिन में खराब हो जाता है। तो हमने हमारे होल कंप्लीट हो गए हैं अभी, और अभी हम जो सॉफ्ट क्लोज है वो हम फिक्स कर देंगे, तो मैं आपको फिर डोर लगा के दिखाऊंगा और सॉफ्ट क्लोज कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। दोस्तों ये फिटिंग के साथ में आता है, इसमें मेजरमेंट आते हैं, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपको लगा के बताऊँगा। तो भी इसका स्क्रू का साइज़ दिया हुआ है, तो हमको यही देखना था सभी फिटिंग, अंदर का डोर हो बाहर का डोर हो, ऊपर से 11.2mm ये स्क्रू का साइज रहता है, इसका जो कोने का स्क्रू रहता है साइड से 44 मतलब 44mm।
तो दोस्तों हमने ये जो हाइट में लगाया है, मैं मार्किंग ही लगाया है 11.2, और जो साइड से लगाया है वो लगाया है 44। तो हम जो ड्राइंग में देखा था वो हिसाब से हम मार्किंग कर लिए हमने 44 साइड से, तो हमने ये 44 का मार्किंग किया है यहाँ पे एक लाइन मार्किंग, और फिर ये 44 है 11.2। हमारे इंची टाइम में आप 11.5 लगा सकते हो, वो 2 का हिसाब नहीं होता। तो ये भी ये जो प्लस का जो प्लस आ गया है यहाँ पे, हम एक इसको मार के सेंटर में खोल लेंगे और फिर वो कॉर्नर का इसको टाइट करेंगे, तो क्या सेम जाएगा, फर्क नहीं आएगा। तो अभी इसको ये सेंटर से इसमें हम पूरा इसको मिला इसको डालेंगे, और इसमें हम ये डोर लेफ्ट साइड का अंदर का डोर है, तो इसमें हमको सॉफ्ट क्लोज के लिए क्लंप जो आती है वो फिक्स करनी है, तो वो भी फिक्स करेंगे भी, क्योंकि दोनों में एक साथ ही स्क्रू लगते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई बिल्कुल ईजी है, अगर दो भी डोर हैं दोनों में सेम बार अंदर के सेम साइज में फिटिंग लगती है। सिर्फ ये देखना है कि जो नीचे ओवरलैप हो रहा है वो नीचे की में ऐड करनी है, बाकी जो हाइट में मैंने जो ड्राइंग बताया वो हिसाब से बनाएंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, एक बार कर लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये जो है यहाँ ये ऊपर जो हम सॉफ्ट क्लोज लगाते हैं उसकी जो क्लंप है ये, और इसमें ये फिक्स होता है, ये हम डोर लगाने के बाद फिक्स करेंगे। ठीक है, ये ऐसे लग के और यहाँ से ये हम इसको लगाते हैं, अभी लगाऊंगा नहीं तो बता रहा हूँ, ये यहाँ पे टाइट हो जाता है इसको, यहाँ से इसमें टाइट हो जाता है इसको। तो अभी इसको मैं डोर लगाने के बाद लगाऊंगा, नहीं तो डोर यहाँ पे लगेगा नहीं, टच हो जाएगी। चलो इसको हम क्या है जो हम डोर हमारा पूरा सेटिंग हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, उसके बाद हम इसको सीधा कर देते हैं, तो क्या है डोर फिर हम निकाल नहीं सकते। तो अभी मैं इसको साइड कर देता हूँ, क्लंप ऐसे लगेगी जो ये अंदर के जो होल हैं अंदर की तरफ और नीचे से लगेगी, और इसको लेफ्ट राइट दोनों साइड लगा सकते हैं, ये इसमें जो कटिंग है दोनों साइड आती है। ठीक है, ये दोनों फिटिंग एक स्क्रू में हो जाती है। ये मार्किंग दिख रही है आपको, ये डोर की है, तो यहाँ से आपको दिखाया हुआ है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डोर्स का जो एड्ज है वहाँ से लेके और स्क्रू का सेंटर 44 एम एम साइड से। ठीक है, और जो हाइट है मतलब ऊपर से जो स्क्रू है इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 11.2, मतलब 11.2, तो आप 11.5 भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत इतना तो मार्किंग हो जाता है, तो 11.2 दिया हुआ है इसने। तो और आपको जो ये गैप दिख रहा है साइड और डोर के बीच में, ये 8 mm गैप दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने वार्डरोब बनाया है उसमें 4 mm गैप आया है, क्योंकि मैंने 3 या 4 mm वो जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा कर दी। ड्राइंग में जो डेप्थ है वो 29 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 32 की हुई है। दोस्तों ये बाहर का डोर है राइट साइड का, तो हमारा सलेड का जो फिटिंग लगी है ये इसमें इसमें टाइट कर दिया है, इसमें टाइट किया है, तो हम डोर लगाने की बात फिक्स करेंगे यहाँ पर लगेंगे मेम्बर मेम्बर रहेगा सेम जो स्क्रू के भी स्क्रू देखेंगे सीधा इसमें लगाएंगे। Thank you.
का डोर है, इसको भी बटन है, बाहर का डोर का भी बटन छूटे हुए हैं, तो लगाना है। जैसे अभी ये आपको साइड का है, जो मतलब बाहर दिखेगा, जो साइड है तो जैसे ये हिस्सा है जो बीच में रहेगा, तो ये इसका टोप है, ये लेफ्ट बाई लेफ्ट साइड का डोर, तो यहाँ पे हैंडल है। तो अभी इस फिटिंग का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है कि जो फिटिंग का सेंटर, यहाँ से सेंटर किया प्लस बॉक्स का इनर और प्लस उसकी साइड, जैसे अभी मेरे जो बॉक्स है उसके ऊपर ये 18 आवर लेक हो गया। मैंने क्या किया है, अंदर 85 प्लस टाउन के हैं, जो भी है, जैसे अभी 18 अप्लाई है, 2 लिमिट लगा 20 मिनट, तो ये मैंने, ये जो मेरा मेजरमेंट है ये बाहर से यहाँ तक 105 एम है। ऐसे ही बीच का मेजरमेंट भी ये यहाँ पे ओनली 185 है, 85 जो आपको नीचे से लेने हैं, नीचे से ये स्क्रू का सेंटर 90 लेने ठीक है, सेम ही लगेगा। कितना ओवर लेप हो रहा है वो 85 में ऐड करना है, नहीं हो रहा है बीच का आ रहा है 85 सेंटर रहेगा, मतलब 85 सेंटर रहेगा, नीचे से 19 भी सेंटर रहेगा।